भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सभी विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत किया, वहीं पीछे उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के चक्र की प्रतिमूर्ति बनी हुई थी। इसने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। असल में G20 के जरिए मोदी सरकार ने भारत की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार बेखूबी किया है। एक तरह से अब कोणार्क का चक्र पहिया अब वैश्विक हो चुका है और इसे एक बड़ी पहचान मिली है, सम्मान मिला है। ऐसे में आइए हम आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में बताते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी पथरीली कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। असल में यह मंदिर सूर्य के विशालकाय रथ की तरह बनाया गया है, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं। इस रथ में 12 जोड़े पहिए लगे हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 24 पहिए। हर पहिए पर शानदार नक्काशी है, लेकिन ये पहिए हमारी जीवनचर्या से संबंधित कई वैज्ञानिक बातें भी बताते हैं। ये पहिए बताते हैं कि कैसे पूरी दुनिया सूर्य की ऊर्जा से चलती है। यहाँ मौजूद हर पहिए का व्यास यानी डायमीटर 9.9 फीट है। हर पहिए में 8 मोटी और 8 पतली तीलियां हैं। ये पहिए कोणार्क के सूर्य मंदिर जाने वाले लोगों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है। अब ये मंदिर खास क्यों है, ये पहिए जरूरी क्यों है, ये समझिए। अब 7 घोड़े यानी हफ्ते के 7 दिन, 12 पहिए यानी साल के 12 महीने, जबकि इनका घोड़ा यानी 24 पहिए मतलब दिन का 24 घंटा। इसके अलावा 8 मोती तीलियां 8 प्रहर यानी 3 घंटे के समय को दर्शाती हैं। असल में इन पहियों को जीवन का पहिया कहा जाता है। इसमें यह भी पता चलता है कि सूर्य कब उगेगा, कब अस्त होगा। इस पहिए को 13वीं सदी में राजा नरसिम्हादेव प्रथम ने बनवाया था। हर पहिए में 8 मोटी तीलियां हैं, 8 पतली तीलियां हैं। हर तीली के नीचे में 30 दाने बनाए गए हैं। हर दाना 3 मिनट का समय बताता है, जो 3 घंटे का समय बताते हैं यानी 180 मिनट। हर मोटी तीलियों के बीच में मौजूद पतली तीली 1.5 घंटे का समय बताती है यानी 90 मिनट। बीचों बीच ऊपर की तरफ जो मोटी तीली है वो रात के 12 बजे का समय बताती है। सिर्फ इतना ही नहीं, 12 पहिए सिर्फ 12 महीने नहीं दिखाते, बल्कि वो 12 राशियों को भी दर्शाते हैं। इसे कानून का पहिया भी कहा जाता है। हर पहिए का आकार समान है, लेकिन हर पहिए में अलग कहानियों को कुरेदा गया है। पहियों के बीच में बनी गोलाकार नक्काशियां अलग अलग चीजें बताती हैं। पहिए का जो केंद्र यानी एक्सेल का 1 फिट बाहर निकला है, रिम पर फूल पत्तियां बनी है, पक्षी और जानवरों को उकेरा गया है। चौड़ी तीलियों के बीच में बनी गोलाकार आकृतियों में महिलाओं की अलग अलग मुद्राएं बनी हुई हैं, जो उनके जीवन के अलग अलग कार्यों को दिखाती हैं। असल में ये पहिए सनडायल है, ताकि आप समय देख सको। 24 पहियों में से 2 पहिए ऐसे हैं जो आपको समय बताते हैं। ये सूरज के उगने से लेकर सूरज के अस्त होने तक का पूरा समय बताते हैं। अगर पहियों के एक्सेल के बीच में उंगली रखते हैं तो आपकी उंगली की परछाई आपको एकदम सही समय दिखा देगी। उड़ीसा की उच्च सांस्कृतिक परंपराओं के चलते भारत सरकार ने कोणार्क पहिए को पुराने 10 रुपए और 20 रुपए के नोट पर भी छपवाया था। 5 जनवरी 2018 को RBI ने 10 रुपए के नोट के सामने की तारीफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ कोणार्क के पहिए की तस्वीर लगाने की घोषणा की थी। गौरतलब है 20 रुपए के पुराने नोट पर भी यह बना हुआ था। इसी तरह की अधिक जानकारी जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ NCR।